कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि किसी डॉक्टर ने आपको बोला हो कि ये आई ड्रॉप है आपको यूज़ करना है, और कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा जब किसी डॉक्टर ने कहा होगा कि ये आई ड्रॉप वगैरह आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब गाइस यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज है कि आखिर हमें आई ड्रॉप यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कभी डॉक्टर बोलते हैं आई ड्रॉप यूज़ करो, कभी डॉक्टर बोलते हैं मत करो। तो गाइस आखिर ये चक्कर क्या है, सारी की सारी कन्फ्यूज़न यहाँ पर लोगों के मन में ये बनी हुई है। तो इस वीडियो में क्लियर करते हैं किन लोगों को आई ड्रॉप यूज़ करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, कौन लोग कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते हैं सारी चीज़ें, और क्यों आखिर डॉक्टर बोलते हैं, कुछ डॉक्टर बोलते हैं आई ड्रॉप यूज़ करो, कुछ डॉक्टर बोलते हैं आई ड्रॉप यूज़ मत करो, सारी बातें यहाँ पर एक एक करके क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये तो जानो कि आखिर आई ड्रॉप यूज़ क्यों करना है और लोग आई ड्रॉप यूज़ क्यों करते हैं। जब हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है उस दौरान ना, अगर आप चश्मा हटाने के लिए आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हो तो आप मतलब मत करो, ज़रूरत ही नहीं है कुछ अगर आप चश्मा क्योंकि उससे आपका चश्मा हटेगा भी नहीं, ये बात सच है, मैं बता चुका हूँ आपको। आई ड्रॉप से बहुत कम लोग होता है, जिनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है उनका प्रॉब्लम दूर होता है, जैसे कि आपके चोट लग गई हो तब आप आई ड्रॉप यूज़ करोगे, डॉक्टर देंगे लिख करके, डस्ट चली गई हो आँख में, चोट लग गई हो, किसी तरह की जलन हो गई हो, मिर्ची वगैरह चली गई हो, या फिर आँख से पानी बह रहा है, या फिर आँखें सूखी सूखी हो रही, ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आपको डॉक्टर आई ड्रॉप भी देंगे, दवाई भी देंगे, सब कुछ देंगे। अब अगर आप डॉक्टर से सीधा जा करके कहोगे कि मुझे चश्मा हटाना है तो उसके लिए आई ड्रॉप दे दो, तो फिर डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये मांग क्या चीज़ रहा है। तो फिर वो कुछ डॉक्टर होते हैं जो कुछ ऐसी चीज़ आपको दे देते हैं जिससे कि आँखों के लिए ठीक हो, कंफर्ट हो, आपकी आँखों में ठंडापन रहे, मतलब ऐसी चीज़ दे देते हैं जो आँखों के लिए नुकसान ना करे बल्कि आपको ऐसा महसूस कराए कि हाँ आपको उसको लगाने के दौरान ठीक फील होता है, आँखें ठंडी रहती है तो हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसी चीज़ें। अब उससे ये उसका ये मतलब निकल करके नहीं आता कि अगर आप उस आई ड्रॉप को कंटिन्यू यूज़ करते रहोगे तो आपका चश्मा उतर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर चश्मे को उतरना होगा तो अगर आप आंखों की केयर कर रहे होंगे तो धीरे धीरे आपका चश्मा अपने आप उतर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप आई ड्रॉप डाले जाओ डाले जाओ, प्रॉब्लम नहीं है कुछ, आँख में कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद भी आई ड्रॉप डाले जाओ, तो फिर वो तो नुकसानदायक ही है। इतना सा दिमाग तो आप भी लगा सकते हो, हमारी तबीयत ख़राब होती है, और अगर हम जैसे कि हमको फीवर हो रहा है, अब अगर हम गोली खाते हैं तो ठीक है, फीवर जब तक ठीक नहीं होता तब तक हम दवाई वगैरह लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर फीवर ठीक हो गया उसके बाद भी ज़बरदस्ती हम लिए जा रहे तो फिर उससे क्या होगा, वो नुकसान ही करेगा। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये थी कि कुछ डॉक्टर तो बोलते हैं आई ड्रॉप यूज़ करो चश्मा ठीक हो जाएगा ये, और कुछ डॉक्टर बोलते हैं नहीं मत करो। तो डॉक्टर उनको बोलते हैं जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आंखों में जलन हो रही है या कचरा चला गया या चोट लग गई है, ऐसा कुछ भी होता है, कुछ भी और प्रॉब्लम होती है, ऐसी चीज़ों के लिए आई ड्रॉप्स और बाकी सारी दवाएँ वगैरह जो भी उनके हिसाब से ठीक होती है वो आप लोगों को देते हैं। अब आप ज़बरदस्ती करो उनसे कि नहीं मेरे को तो चश्मा हटाने के लिए चाहिए, अब डॉक्टर भी सोच लेता है कि यार चलो इससे व्यवहार है तो फिर इसको कुछ ना कुछ चीज़ दे देते हैं, अब आप वो डॉक्टर भी दे देता है आपको इसी वजह से, और कुछ डॉक्टर होते हैं जो साफ साफ मना कर देता है कि नहीं भाई ज़रूरत ही नहीं है, क्यों ज़बरदस्ती ले रहा है। अब यहाँ पर जो कुछ डॉक्टर दे देते हैं कि चलो अपना समझ के, बल्कि उसे दे देते हैं तो थोड़े दिन लगा लेगा तो ठीक ठाक फील करेगा, और फिर वो क्या आदमी उसके पीछे ही पड़ जाता है। होता क्या है कि कभी कभी उस बाई चांस नंबर कम हो गया तो उसे लगता है अरे यार ये दवाई काम कर रही है, और फिर जब उससे बाई चांस आँख का नंबर कम नहीं होता, जब वो आई टेस्ट करवाता है बढ़ जाता है या फिर वही रहता है, तो उस दौरान वो सीधा डॉक्टर के जाके बोलता है कि यार आपने जो दवाई दी थी वो काम नहीं कर रही, ऐसा वैसा ये वो सारी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आई ड्रॉप से आपका चश्मा उतर जाएगा। आप अपनी आँखों को चश्मे के साथ ज़्यादा सिक्योर रख सकते हो, ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जो शील्ड है जो आपकी आँखों को प्रोटेक्ट कर रहा है वो आपका चश्मा ही है, उसके लेंसेज ही है, ये बात आप समझिए। अगर आप चश्मा नहीं लगाओगे तो फिर कितने भी आई ड्रॉप यूज़ कर लीजिए, कितनी भी सर्जरी करा लीजिए, कितने भी ट्रीटमेंट ले लीजिए, आँखें ख़राब ही होनी है धीरे धीरे, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ें काफ़ी बार पहले भी समझाई है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आखिर में क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि अगर चश्मा हटाने के लिए आप आई ड्रॉप लगाते हो तो फिर मत लगाओ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम है, आँखों से पानी आता है या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ है जिसका ट्रीटमेंट आप करा रहे हो तो उस दौरान तो आपको लगाना ही है, क्योंकि वो डॉक्टर ने दिया उसी से प्रॉब्लम ठीक होगी, बट चश्मे के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि चश्मा आई ड्रॉप से नहीं उतरता है, ये चीज़ें मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ।
हमारी बॉडी और हमारी आंखें, मतलब सारी चीज़ें जितने भी बॉडी पार्ट्स है सब चेंजेबल है, सब परिवर्तनशील है, वो बदलेंगे ही, वो एक जैसे थोड़े ना बने रहेंगे हमेशा। इस चीज़ को आप समझो, सब कुछ बदलता है, पूरी दुनिया बदलती है, पूरी प्रकृति बदलती है। तो हम अमर थोड़ी है कि हमारी आंखें या हमारी कोई भी बॉडी पार्ट है जो वैसा की वैसा रहे, नहीं रहेगा, वो तो होगा ही चेंज समय के साथ, उसमें बदलाव आएंगे ही, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो, कहाँ रह रहे हो, क्या देख रहे हो, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, ना कि आई ड्रॉप्स पे, कि कौन सा आई ड्रॉप लगा रहे हो कौन सा नहीं लगा रहे हो, उससे नहीं होता है कुछ भी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे पूरी चीज़ें कि मतलब आई ड्रॉप से नहीं होगा, आपको खुद के आँखों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अपनी डाइट वगैरह देखनी पड़ेगी, साथ ही साथ पूरी दिनचर्या देखनी पड़ेगी, आप कहाँ जा रहे हो, किस जगह जा रहे हो, वहाँ क्या देख रहे हो घंटे तक, वो सब चीज़ें ऐसी चीज़ें जो आपको नुकसान पहुंचाती है आपकी आँखों को, तब आपकी आँखें अपने आप ठीक हो जाएगी, एकदम तंदुरुस्त हो जाएगी, मतलब कि ज़ीरो पावर पे आ जाएगी, ज़ीरो पावर या फिर उस जो भी कम पावर होता होगा, बिल्कुल जो नॉर्मल आदमी में होता होगा उतने तक आ जाएगी, सिंपल सीधी बात है। तो ये चीज़ें आप समझ जाओ, किसी भी भ्रम में मत रहो, क्योंकि लोग तो बस अपना धंधा चला रहे हैं, मार्केटिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, अपनी दवाइयाँ बेचते हैं, सारी चीज़ें हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाओ, अगर प्रॉब्लम नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती आप जा रहे हो चश्मा हटाने के लिए, जो कि मुमकिन ही नहीं है, तो फिर आपको समझ गए होंगे आई थिंक आप। तो ये था आज का वीडियो गाइस। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी ऑडियंस है आप सब मेरे फैमिली की तरह हो, सब अपने हो, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ ये ऐसी चीज़ें ना हो, ज़बरदस्ती आपको लूटे जा रहे हो लोग, मतलब चश्मा हटाने के नाम पे या कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो सब मतलब आप खुद समझदार हो जाओ ना इस चीज़ को लेकर के। तो इस वीडियो में इतना ही, और लास्ट में जाते जाते एक और चीज़ जो हमेशा बोलते हैं, मैंने एक नया व्लॉग चैनल क्रिएट किया है, अगर आप व्लॉग वीडियोस देखते हो और आपको अच्छे लगते हैं, पसंद है, तो हमारे भी देख लो भाई, हमारा भी भला हो जाएगा।